अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाक असील। दोस्तों 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो जी। आज 14 अगस्त 2024 है और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को। क्या आपको लगता है पाकिस्तान आज़ाद है? दोस्तों मैं आजकल नए नए गाने सुनता आ रहा हूँ, बिल बिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, शायद आपने भी सुना होगा। मैं वीडियो आज इस वजह से थोड़ी मुख्तलिफ बना रहा हूँ। 14 अगस्त, आज 14 अगस्त है और सब लोग ये चीज़ें, ये देखें, आज आपको वाकई में सब याद दिलाएंगे कि पाकिस्तान में हो आप बिल्कुल आज़ाद हो। ये आप सोओगे भी, आप बीमार भी होंगे, आपके घर में मरीज़ भी होगा, लेकिन ये चीज़ भी साथ में सारे इलाके में सारे बच्चों के साथ होगी। साथ में ये झंडा चेक करें, माशाल्लाह हम बहुत फ़ख्र से अपने फ्लैग को सीने से भी लगाते उठाते भी हैं, और हम सोचते हैं, हमारे बच्चे सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं। यहाँ पे आप टैक्स भी देते हो और यहाँ पे आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करते हो, लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप कुल के किसी के साथ बात कर सकते हो? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हो? अगर आपको लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं तो फिर आप आज़ाद हो। अगर आपको लगता है कि इन प्लेटफॉर्म पे आप दिल की भड़ास नहीं निकाल सकते, इजहार राय के लिए आप आज़ाद हो कि नहीं हो? आज कई साल हो गए जी, कई साल आज़ाद। मैं इसको कहूँगा, यहाँ पे इकॉनमी आपकी अच्छी हो गई होती इन इतने सालों में, लोड शेडिंग का खात्मा हुआ होता इतने सालों में, यहाँ पे बिजली अगर आप अपने लिए कोई जुगाड़ करते हो, सोलर पैनल लगाते हो, उसमें इतनी मुश्किलात ना होती। यहाँ पे ग्रीन मीटर के लिए आपने एक्स्ट्रा पैसे ना देने होते, ये ग्रीन मीटर ये सोलर पैनल का चक्कर ही ना होता, तब आप आज़ाद होते। यहाँ पे अगर आप टैक्स देते हो और आपके बच्चों की एजुकेशन, मेडिकेशन, जितनी भी बेसिक ज़रूरियात है, अगर वो गवर्नमेंट बेयर करती, तब आप आज़ाद होते। देखें यहाँ पे अरशद नदीम जेवलिन अपने लिए ख़ुद ख़रीदता है, ट्रेनिंग अपनी देसी ट्रेनिंग करता है, खुराक माँ के हाथ की देसी घी के पराठे खाता है, गवर्नमेंट ने कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, फिर भी आपके लिए गोल्ड मेडल जीत के लाता है। उसके बाद लोग पहचानते हैं, पहले सिर्फ वो लोग पहचानते थे जो के रेगुलरली ओलंपिक्स ये गेम्स देखते थे, आज वो लोग भी पहचानते हैं। क्यों पहचानते हैं? कि कोई कारनामा करोगे, अपने बलबूते पे करोगे, सामने आओगे, फिर सब पहचानेंगे। लेकिन अगर आप खुद मेहनत करते हैं, उसमें आपके सपोर्ट के लिए आपके दोस्तों के अलावा और आपकी फैमिली के अलावा कोई नहीं होगा। गवर्नमेंट का तो नाम ही ना ले, वो तो बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। यहाँ पर ये बच्चे आज खुश हैं, इनके हाथ में ये झंडे हैं, इनको लग रहा है कि हम आज़ाद हैं। लेकिन मैं सोच में हूँ कि ये जब हमारी एज पे आएंगे, ये छोटा बच्चा अभी, ये देखिए किस तरह, किन सोचों में गुम है कि मेरा चचा क्या कह रहा है, इसको कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन ये हो सकता है ये वीडियो आज से 30, 31, 32 साल बाद देख के तब इसको पता चलेगा कि चचा क्या कह रहा था। मोहम्मद के हाथ में भी झंडा है, अनफाल के हाथ में भी झंडा है, जैनब के हाथ में भी झंडा है, तुम्हारा झंडा नीचे क्यों है? ये खफा है, इसको लग रहा है कि वाकई में पाकिस्तान आज़ाद है। दोस्तों बर्ड्स का भी शौक कराएंगे, वैसे तो हमारा चैनल परिंदों का है, और सब अभी मिलकर कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलो जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलो ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
ये मुझे लगता है पाकिस्तानी नहीं है वो, है पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तो चले, वैसी आज दिल में ये बातें आई, मैंने कहे चले यार आज हम भी वाकई में ये बता देते हैं कि हम आज़ाद है कि नहीं है, और हमारे दोस्त जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी बताएंगे कि पाकिस्तान वाकई में आज़ाद है कि नहीं, क्योंकि सारे बच्चे खुश हैं और ये नींद में भी आप सुनते हैं। अब मैं तो कहता हूँ कि आज़ादी में ये चीज़ें किसने इंट्रोड्यूस करवाई है, ये क्या फ़ायदा यार जश्न मनाने का, ये क्या तरीका है, लोगों का दिमाग खाओ, लोगों को याद दिलाओ कि आप वाकई में आज़ाद हो, कोई और तरीका होता, कोई और तरीक़ेकार जश्न मनाने के होते जो कि फ़ायदा मंद तो होते ना। तो चले ये बहरहाल ये तो एक साइड पे जिस तरह भी जश्न मनाते मनाते रहे, क्योंकि दिल की बुढ़ास तो निकालनी होती है, एक ही दिन आता है साल में कि हमें पता चलता है कि वाकई में हम आज़ाद हैं, और फिर हम सोच में भी पड़ जाते हैं कि वाकई हम आज़ाद हैं कि नहीं, कि सिर्फ ये बच्चे खुश हैं इनको पता नहीं है। तो दोस्तों अभी शौक करवाते हैं आपको परिंदों का। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जी चूज़े हैं, इनको भी मैं दाना डालता हूँ। यहाँ पे मैंने रखा होता है जी इनका दाना 14 PS और बाजरा मिक्स करके, इस टाइम इनको ये देता हूँ और दिन के टाइम पे मैं इनको बाजरा जो मिक्स फीड है ये देता हूँ। ठीक है, तो अभी इनको डाल देते हैं। चले बेटा ये देखो कितने शौक से आ रहे हैं, कहो 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 माशाल्लाह। ये होम ब्रीड के चूज़े हैं, और जैसा कि आपको पता है अदलाका हमारा चला गया जी अहमद भाई के पास वापस, तो उनको ज़रूरत थी, हमारे अच्छे भाई हैं और वो जो हैं तो उनसे वापस अपनी वो ब्रीड किंग लसानी भी बना सकते हैं, अदलाका भी बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास उसी ब्रीड की मादियाँ भी हैं, और एक नहीं दो नहीं कई मादियाँ हैं। तो माशाल्लाह मुबारक हो अहमद भाई को अदलाका। और ये मेरे पास अदलाका की 3 बेटियां हैं, ये बेटा शबीर सुलंगी का है। ठीक है, ये मेरी मादियां लगी थी उसी अदलाका के साथ, इन्होंने कुछ अंडे दिए अदलाका के साथ, और बाकी जो है तो चूँकि अभी भी ये अंडों पे हैं तो इनको मैं क्रॉस कर रहा हूँ अपने जो मेरी अपनी ब्रीड है कीली ताजा ब्रीड। अब कुछ दोस्त वो परिंदा देख के कहते हैं ये तो किली ताजा नहीं है, तो मैं उसके ताज के हवाले से, असल में मैंने ब्रीड को नाम दिया हुआ है किली ताजा, क्योंकि उनके दादा परदादा वो उनके ताज बड़े वाजह थे, टोपले थे, कुछ किली ताजा थे, तो फिर मैंने उन इस ब्रीड को नाम रख लिया था किली ताजा। ठीक है ये जी अदलाका की मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी अभी जाने से एक दिन पहले की, ये वीडियो है जब अहमद भाई आए थे उससे एक दिन पहले की ये वीडियो है, और माशाल्लाह शौक करें, और हम फिर भी अहमद भाई को कंग्रेट्स करते हैं कि बहुत बहुत मुबारक हो आपकी ब्रीड आपके पास आ गई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम भी वीडियो में शौक करते रहेंगे और दुआ करेंगे कि आपके पास बेहतरीन नतायज वो प्रोवाइड करें। और बाकी भी आपको मैं बर्ड दिखाता हूँ, मेरे पास एक नया परिंदा भी आया है उसका भी मैं आपको शौक करवाऊँगा, और मेरे घर की जो पाकू ये ब्रीड है पाकू राणा सफर साहब की ब्रीड है, इसको जो पाकू ब्रीड था वो हमने हमारे जो मियावाली मुर्गा था अमरोहा जिसको हम कहते थे असल में अमरोहा क्रॉस था उसके साथ जो है पाकू की मादी लगाई थी, तो ये बच्चा निकला था, अभी थोड़ा कमज़ोर है, बीमारी भी आई थी बीच में थोड़ा ये लेग्स से भी कमज़ोर हो गया, तो अभी रिकवर हो गया इंशाल्लाह, मज़ीद भी रिकवर होगा बेहतरीन बनेगा, तो और वीडियोज़ में भी आपको मैं इसका शौक करवाऊँगा माशाल्लाह ज़रूर कहना है। इसके बाद मैं आपको एक दूसरा गिफ्ट जो मुझे मिला है काफ़ी दोस्तों ने टिकटॉक पे देखा है जी वो भी मैं आपको शौक करवाऊँगा, प्योर मियावाली चीज़ है और ब्लड लाइन की, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी किलीताजा ब्रीड का पट्टा जो मैं अपने प्रोफेसर साहब से लाया हूँ और सेम ब्रीड की मादियाँ पीछे आपने वीडियो में देखी है वो भी इसी की ब्रीड की मादियाँ है, तो ये है जो मेरा किलीताजा ब्रीडर उसका डायरेक्ट बेटा है सुर्ख मादी की पहली जोड़ की बेटी के साथ, और इस पे मैं शौक करूँगा इंशाल्लाह फ्यूचर का ब्रीडर भी बनाऊँगा इसको। ये मुझे गिफ्ट रिसीव हुआ है जी माशाल्लाह शौक करें, बेहतरीन प्योर मियावाली चीज़ है और ख़ूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह।
बनेगा, फुल एज में जाएगा, 2.5 साल का बनेगा या 4 साल का बनेगा, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये असल में 1 साल के बाद अपनी बनावट जो है तो आपको सही क्लियरली दिखाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह खूबसूरती चीज़ है, लॉन्ग टेल में है। और तमाम दोस्तों से अपील है कि वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने बाकी दोस्तों और शौकीनों के साथ, वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो स्टार्ट में थोड़ी मुख्तलिफ थी, और शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।